Alright, welcome dear students. Now in this session we are going to talk about the 4.2. As we know, the 4.1 mein the sum of two sides were given to you. Now in the 4.2 the difference between two sides will be given to you. Lekin 4.2 mein thoda sa twist hai. अगर आप फर्स्ट है देखो गिन चुन के खाली तीन सम्स है इन 4.2, बट जो थर्ड सम है वो थोड़ा सा अलग है एंड बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार थर्ड सम ऐसे कैसे निकाला, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड सम आपके सेम मेथड से जाएंगे, थर्ड सम आपका अलग मेथड से जाएगा. सो लेट्स आइडेंटिफाई कि वो क्या अलगपन है थर्ड सम में. ओके, नाउ इफ यू कैन सी, तो वो जो थर्ड सम का जो थोड़ा मिस्ट्री है सो उसको मैंने इस वीडियो के थंबनेल पे ही डाल दिया है. सो आप थंबनेल देख के भी आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, बट ऑब्वियसली आई विल बी ऑल्सो एक्सप्लेनिंग यू द सेम थिंग. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द 4.2 का वेरी फर्स्ट सम. कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल एक्स वाई जेड. हियर द बेस इज गिवन टू यू, दैट इज वाई जेड which is 7.4, then the angle is given to you 45 degree, alright, and this subtraction is given to you people, xy minus xz is equals to 2.7. so guys एक बात हमेशा याद रखिए, देखिए बेस आपका y और z से बनने वाला है, पॉइंट y एंड पॉइंट z से आपका बेस बनने वाला है. so what is your third point is x, right? now here we have subtracted xy minus xz. इसका मतलब obviously जब देखो हम लोग normal subtraction करते हैं तो bigger number में से smaller number को subtract करते हैं. so your xy, देखो since the answer is positive, right? so your xy must be greater than xz. what I said, xy must be greater than xz, right? अभी इसका आप ये इतना चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? फिर इसका इंटरप्रिटेशन कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा. ऑलराइट, सो गाइज व्हाट वी हैव डन हियर इज वी हैव ड्रॉन द बेस वाई जेड, अपन लगने निकाल लिया है, देन एक्स वाई जेड एंगल निकालेंगे ना, तो एक्स वाई जेड इज 45. तो यू नो द सेंट्रल पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सेंट्रल पॉइंट होता है उस पर एंगल बैठता है अपना, बराबर. सो यू विल ड्रॉ द एंगल लाइक दिस वे, कीपिंग द प्रोटेक्टर ऑन द पॉइंट वाई. सो हियर इट्स योर एंगल 45, राइट? ओके, नाउ हियर इज द थिंग पीपल, यू सी द सब्ट्रैक्शन इज 2.7, राइट? नाउ पॉइंट ये है कि 1 एंड 2 मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड सम में ये जो डिस्टेंस है 2.7 ये हम लोग को ऊपर लेना है, ठीक है? एंड थर्ड सम में डिस्टेंस अपने को ये इस लाइन को एक्सटेंड करके नीचे लेना है. मैं समझे आप क्या बोला, सॉरी आप समझे मैं क्या बोले, कि ये फर्स्ट एंड सेकेंड सम में डिस्टेंस ऊपर लेना है, राइट? एंड थर्ड सम में डिस्टेंस इसी लाइन को एक्सटेंड करके नीचे लेना है. अब बात यह है कि ऐसा क्यों? सो यो गाइस, सिंस एक्स वाई माइनस एक्स जेड, सो अभी जस्ट डिस्कस किया कि ऑब्वियसली द एक्स वाई, बिकॉज सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो करते ही ऐसे है कि बिगर माइनस स्मॉलर, सो एक्स वाई विल बी ग्रेटर देन एक्स जेड, राइट? इसका मतलब यह है द एक्स पॉइंट विल बी अवे फ्रॉम वाई एंड क्लोज टू जेड. एक्स वाई ये डिस्टेंस ज्यादा रहेगा ना एंड एक्स जेड डिस्टेंस कम रहेगा, मतलब एक्स पॉइंट द थर्ड पॉइंट इज अवे फ्रॉम वाई एंड क्लोज टू जेड. इतना समझा एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स जेड का मतलब क्या, एक्स वाई डिस्टेंस विल बी मोर एंड एक्स जेड डिस्टेंस विल बी लेस. मीन्स वॉट, द पॉइंट एक्स विल बी अवे फ्रॉम वाई एंड द पॉइंट एक्स विल बी क्लोज टू जेड. ओके, अभी मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो आप सुनिएगा ध्यान से, मैं धीरे से आराम से पढ़ रहा हूं. इफ द थर्ड पॉइंट इज अवे फ्रॉम एंगल पॉइंट, व्हाट डू मीन बाय एंगल पॉइंट गाइस, कि जिस पॉइंट पे एंगल बना है
उसको बोलेंगे एंगल पॉइंट, ठीक है, याद रहेगा। मैं आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, इफ द थर्ड पॉइंट इज अवे फ्रॉम एंगल पॉइंट टेक डिस्टेंस अबव द बेस, टेक डिस्टेंस अबव द बेस, एंड द नेक्स्ट लाइन इज और द नेक्स्ट पॉइंट फॉर द थर्ड सम यू विल अप्लाई, इफ द थर्ड पॉइंट इज क्लोज टू एंगल पॉइंट टेक डिस्टेंस बिलो द बेस। ऑलराइट, तो मैं पहला स्टेटमेंट के अनुसार चलता हूं। इफ द थर्ड पॉइंट, लाइक आई टोल्ड यू नो पीपल हियर, एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स जेड मीन्स एक्स वाई, सो एक्स इज लाइक एक्स वाई डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, एक्स जेड डिस्टेंस कम रहेगा, इसका मतलब एक्स इज मोर अवे फ्रॉम वाई एंड एक्स इज क्लोज टू जेड, राइट। सो एक्चुअली द थर्ड पॉइंट इज अवे फ्रॉम द एंगल पॉइंट, अकॉर्डिंग टू अवर फर्स्ट स्टेटमेंट द थर्ड पॉइंट इज अवे फ्रॉम एंगल पॉइंट एंड दैट्स व्हाई वी विल टेक द डिस्टेंस अबव द बेस। ओके, तो ये पॉइंट को समझना गाइस बहुत जरूरी है, समझ लो, ठीक है। सो इसके आगे का द थिंग इज क्वाइट इजी, खाली यही मुझे बताना था कि कभी ऊपर जाना है कभी नीचे जाना है। सो हियर आई विल टेक एनी पॉइंट पी, 2.7 आई हैव टेकन, नाउ आई विल जॉइन दिस पॉइंट दिस, देन वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस थिंग, यू नो दिस थिंग राइट। सो व्हेन वी विल जॉइन ओवर हियर विल दिस पॉइंट विल बी योर थर्ड पॉइंट दैट इज एक्स, सो यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम दिस दैट एक्स इज मोर अवे फ्रॉम वाई एंड इट इज लिटिल क्लोज टू द जेड, मतलब जेड के कंपेरिजन में तो दूर ही है ना। सो ये जो है ना ये सब्ट्रैक्शन आपको वही बताता है, सिंस यू आर सब्ट्रैक्टेड लाइक दिस वे मींस योर दिस इज योर ग्रेटर पार्ट दिस इज योर स्मॉलर पार्ट मींस एक्स वाई विल बी ग्रेटर देन एक्स जेड मींस दिस पॉइंट एक्स विल बी अवे फ्रॉम वाई एंड क्लोज टू जेड, ठीक है। तो एक्स आपको पता चल गया किससे अवे है और किससे क्लोज है, फिर आप स्टेटमेंट लगाइएगा दैट इफ थर्ड पॉइंट is away from angle point, right? Then you will take above the, you will take the distance above the base. ठीक है, ठीक है, okay. मैं क्या करता हूँ? मैं directly जाता हूँ third sum पे, ठीक है? Alright people, now here construct a triangle ABC. The base is given to you, the angle is given to you, and this kind of subtraction is given to you. तो द वन थिंग इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस, सिंस ए सी माइनस ए बी किया है ना, सो दिस मस्ट बी अ ग्रेटर पार्ट दिस मस्ट बी अ स्मॉलर पार्ट, सो आई हैव रिटन लाइक दिस, ए सी ग्रेटर देन ए बी मीन्स वॉट, द थर्ड पॉइंट ए विल बी अवे फ्रॉम सी एंड क्लोज टू बी, क्या समझा, ए सी इज ग्रेटर देन बी, सॉरी ए सी इज ग्रेटर देन ए बी मीन्स द थर्ड पॉइंट ए is away from C, जहां पे greater है वो away ना, away from C and close to B, बात समझिए। देखिए यहां पे पहले उन्होंने बेस निकाल लिया है BC, अभी प्रोटेक्टर रखेंगे, द एंगल इज ए बी सी नो, सो बी पे ऑब्वियसली सेंट्रल पॉइंट B, तो B पे रख दिया, बी पे आपका एंगल बैठेगा, तो B पे रख के फिर वी विल ड्रॉ द एंगल, चलिए कंप्यूटर जी एंगल ड्रॉ कीजिए, 100 डिग्री आ गया, अभी 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 रुकिए 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 जी, देखिए अभी ये हम लोग 100 डिग्री ड्रॉ किए लेकिन पीछे एक्सटेंड किए हैं, क्यों, आप बात सुनिए, मैंने जो आपको थर्ड सेट में बोला था, ठीक है, उसके पहले अगेन ये चीज देख लेते, ठीक है। ए सी माइनस ए बी इज 2.5 मीन्स ए सी इज ग्रेटर देन ए बी मीन्स द थर्ड पॉइंट ए इज अवे फ्रॉम सी and close to B, ठीक है, away from C and close to B। अब देखिए B जो है आपका B के ऊपर एंगल चढ़ा बैठा है, तो B is your angle point, B is your angle point। स्टेटमेंट सुनिएगा मेरा, if the third point is close to angle point, if the third point is close to angle point, take distance below the base, take distance below the base, ठीक है। तो देखिए यहां पे थर्ड पॉइंट आपका A, जो कि C से
अवे है, बी के क्लोज है, बट बी जो है आपका एंगल पॉइंट है, मतलब थर्ड पॉइंट एंगल पॉइंट के क्लोज है, तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। और यदि थर्ड पॉइंट एंगल पॉइंट से दूर होता तो आपको ऊपर जाना पड़ता था, समझ रहे हो? ठीक है, सो हियर विल टेक द डिस्टेंस बिलो भैया, पॉइंट समझा? आई होप सो ये क्लियर होगा, दोनों स्टेटमेंट भी आपने ठीक से लिख के लिए रहेंगे। सो आई विल टेक द डिस्टेंस बिलो, एक बार फिर से बता दूं। चलिए, तो बेस तो लिया बी सी, देन एंगल भी ड्रॉ कर लिया ए बी सी, ठीक है, 100 डिग्री का ड्रॉ कर लिया एंगल बी पे, देन द सब्ट्रैक्शन वॉज लाइक दिस वे ए सी माइनस ए बी। मीन्स हम लोग जब सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो बुजुर्गों ने सिखाया भाई कि बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो, मीन्स ए सी विल बी ग्रेटर दैन द ए बी, ए सी इज ग्रेटर दैन ए बी। इसका मतलब क्या है? द थर्ड पॉइंट ए, बेस तो बी सी का बना है, तो थर्ड पॉइंट ए इज अवे फ्रॉम सी इन एंड इज क्लोज टू बी, अवे फ्रॉम सी एंड क्लोज टू बी, बट बी यहां पे क्या है? एंगल पॉइंट, सो द थर्ड पॉइंट इज क्लोज टू एंगल पॉइंट, दैट्स व्हाई वी विल गो डाउन, दैट्स व्हाई वी विल टेक डिस्टेंस बिलो द बेस। ठीक है, इसके बाद का आपको पता है चीज क्या करना है, ये हमने ज्वाइन किया, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक, अगर आप चाहे इसका एक्चुअली बहुत ना, बिकॉज मैंने हाफ आवर मैंने उसमें बिताया कि इस सम के क्या क्या अलग अलग केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को मैथ्स में रुचि रहेगी तो आप ये ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये फिर आधा घंटा थोड़ा सा मैंने वेरियस केसेस ड्रॉ करके देखे मैंने, और बच्चों लोग को एक सिंपल स्टेटमेंट में कैसे बता सकते हैं, तो वो बनाने के लिए, वो मतलब बनाना मेरा मेन उद्देश्य था। बाकी का तो लॉजिक ठीक है, दैट इज द थिंग अपार्ट, बट एक दो बच्चे लोग को ऐसे स्टेटमेंट दिला दो ना कि एक स्टेटमेंट से बच्चा बोलेगा कि भैया डिस्टेंस ऊपर ले लो, और एक स्टेटमेंट से बच्चा बोलेगा भैया कि डिस्टेंस नीचे ले लो। तो ये मेरा काम था जो मैंने आधे घंटे में किया है। आपको अगर मैथ्स में रुचि रहेगी तो आप खुद ड्रॉ करके देख सकते हो कि यार ये ड्रॉ हो रहा है भाई कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इसकी बहुत फैंटास्टिक चीज है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, देन दिस पॉइंट विल गेट एज ए, एंड देन वी विल ज्वाइन दिस, ये एक रैंडम पॉइंट पता ना, देन यू विल जॉइन दिस स्टफ, सो यू गेट द एबीसी ट्रायंगल लाइक दिस वे। ओके, ठीक है, मैं सेकंड सम दिखा देता हूँ आपको ऑफिस से भी। ठीक है, फर्स्ट के बाद में हम लोगों ने थर्ड की है ना, मैं सेकंड दिखा देता हूँ। ठीक है गाइस, आप थोड़ा रफ डायग्राम के यहाँ पे देखिए, मैं वहां से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो क्यू आर इज अवर बेस, क्यू आर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसके बाद में पी क्यू आर, सो हम लोगों ने ये एंगल ड्रॉ कर लिया 60 डिग्री वाला। ठीक है, देन जो डिफरेंस है 2.5, तो सवाल यही है ऊपर जाना है या नीचे जाना है, राइट? सब्ट्रैक्शन इज लाइक पी क्यू माइनस पी आर, मीन्स वॉट, पी क्यू विल बी ग्रेटर देन पी आर। सब्ट्रैक्शन तो वैसे ही करते हैं, बड़े से में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो पी क्यू ग्रेटर देन पी आर मीन्स वॉट, द थर्ड पॉइंट पी इज अवे फ्रॉम क्यू एंड क्लोज टू आर, अवे फ्रॉम क्यू एंड क्लोज टू आर, बट क्यू पे एंगल पड़ा है, क्यू पे एंगल खड़ा है, क्यू पे एंगल बैठा है, इट मीन्स द क्यू इज अ एंगल पॉइंट। सो अल्टीमेटली हम लोग ये बोलना चाहते हैं दैट द थर्ड पॉइंट पी इज अवे फ्रॉम एंगल पॉइंट। सो इफ द थर्ड पॉइंट इज अवे फ्रॉम एंगल पॉइंट, टेक डिस्टेंस अबव द बेस। इसके लिए 2.5 ऊपर गया, फिर इसको ज्वाइन किया, फिर इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, पी लिया, देन वी विल गेट दिस ट्राइंगल। ओके, तो आप ये दोनों स्टेटमेंट गाइज याद रखिएगा जरूर। ओके, विद दिस वी आर एंडिंग। अच्छा, एक न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम सेट में, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो आप ट्राई कीजिए। ठीक है, नहीं आता तो प्लीज व्हाट्सएप पे डाउट सेंड कीजिए। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऑफ क्लासिक क्लासेस इज 7304603490 पीपल, एंड ये जो आपको मैंने बताया है वो आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि पता है मुझे बहुत सारे, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है कि देखा नहीं मतलब कि बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे कि यार कोई कुछ अलग बोल रहा है क्या, कुछ अलग बोल रहा है क्या, लेकिन बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा कि पीपल आर लाइक स्किप करके आगे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई ये करेक्टली बता नहीं पा रहा है कि यार अबव क्यों जाना है, बिलो क्यों जाना है, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। ठीक है, तो मैं मतलब चाह रहा था कि थोड़ा सा कुछ ईजी फाइंड आउट करे, तो वो देखते हैं अभी कैसा, मतलब अभी आप देखिए कैसे बना है, और याद रखते में भी इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट बात भी नहीं है। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जो 4.3 पे बनेगा, 4.3 भाई क्वाइट इजी है, बहुत इजी है, मैं बोल के रख रहा हूँ। 4.1 इजी था, 4.3 इजी है, 4.2 ये खाली थोड़ा सा ट्विस्ट वाला सम था, फर्स्ट सेकंड एंड देन थर्ड वाला, ठीक है। बाकी दिस चैप्टर आपका फिर हाथ का मेल हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट 4.3 विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।